बेनकाब किया। 2005 के अंदर जब परवेज मुशर्रफ साहब ने एमकेएम अपनी इत्तेहादी पार्टी के साथ मिलकर जब इसको फरोख किया तो आपको सुन के इंतहाई हैरत हो गई कि 15 अरब में यानी तकरीबन 16 अरब में कौमी इदारे को जो है वो फरोख कर दिया। और उस वक्त उसकी असल मालियत सिर्फ 10 गुना कम में फरोख करके कौमी खजाने को 70 अरब जारी की गई। ये मैं 2005 कर इलेक्ट्रिक को फ्री इससे आगे बढ़ती है लेकिन कराची के लिए। और यही हफीज शेख साहब जो हमारे मौजूद थे जब पीएससी को उनके हवाले किया गया तो इन्होंने बड़ी शानदार तकरीर की थी कि अब कराची की राह की जाएगी क्योंकि जो नई इंतजामिया है वो एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और इसके हालात पहले से बिगड़ गए बल्कि जो इलेक्ट्रिक बात जो है वो बिगड़ती चली गई। 2009 में पीएस पार्टी की हुकूमत थी सरदारी साहब जो आए उन्होंने अपराध ग्रुप के हवाले करते हुए 500 अरब से ज्यादा रकम है जो उसने अदा कर दी है। सूरत हाल थी एनटीपीसी के 72 अरब थे तो सरदारी उसके अंदर उनको जो है वो सरकारी खजाना 32 अरब रुपए उसको माफ कर दिया और जो बाकी जो बचा उसको सार्वजनिक के बिलों के ऊपर डाल दिया गया। यानी इस तरह से एक प्राइवेट बल्कि उस निष्कारी वायदे के अंदर कुछ इस तरह की खतरनाक तरमीम की गई जिसके अंदर ये लिखा हुआ है उसके अंदर मीटर नेट के नाम से कोई रकम आवाज से वसूल नहीं की जाती। इसी कहने की वजह से इस चीज का खात्मा हुआ। तो फिर उसमें हुआ यह कि जब हमारे मीटर नेट दिलवा दिए गए जमात स्थान में उसकी राह में रुकावट बन गई 20 से 25 अरब रुपए का उस तो इसके नतीजे के अंदर उसको रिव्यू पोजीशन में गए थे जमात इस्लामी भी रिव्यू पोजीशन में गई फिर जो है वो उनको वो मनमाना टैरिफ नहीं दिया। खान अब्बासी साहब जो पिछले मुस्लिम लीग के उनकी हुकूमत के थे वो टैरिफ मांगने लगे उसको टैरिफ दिया जाए ताकि वो शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख कर सके। तो ये है।